बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। हुकूमत ने पेंशनर हजरात को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली एजुकेशनल अपडेट्स जरिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, जो साथ लाइक का बटन बना हुआ है उसको भी कर दें। अब आते हैं तफसीलात की तरफ। हुकूमत का 1 सितंबर से बुजुर्ग शहरियों को पेंशन घर पहुंचाने का ऐलान। वजीर आजम के मावन खसूसी सैयद जुल्फी बुखारी ने ऐलान किया है कि आइंदा माह 1 सितंबर से बुजुर्गों को पेंशन घर पर पहुंचाई जाएगी और निजी बैंक में पेंशन बराह रास्त आएगी। खेड़ा में EOBI के दफ्तर की इफ्तदाई तकरीब हुई जिसमें वफाकी वजीर बरए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और वजीर आजम के मावन खसूसी बरए ओवरसीज जुल्फी बुखारी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में जुल्फी बुखारी का कहना था, 2 साल के अंदर पेंशन 8,500 कर दी गई है, हम दूसरी हुकूमतों की तरह नहीं जो वादे करके भूल जाएँ। 1 सितंबर से बुज़ुर्गों को घर में जाकर पेंशन देंगे और निजी बैंक में आपकी पेंशन बराह रास्त आएगी। जुल्फी बुखारी का कहना था कि पेंशन का निज़ाम मजीद बेहतर कर लिया गया है जिसके तहत आइंदा से EOBI पेंशन बराह रास्त पेंशनर के निजी बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। यूं पेंशनर्स को बैंकों के बाहर कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। उनका मजीद कहना था कि अब से हर वो शख्स जो काम करता है, मेहनत करता है, वो भी EOBI में रजिस्टर्ड हो सकेगा। इस हवाले से कानूनी समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई है। समरी की मंजूरी के बाद मेहनत कश EOBI में रजिस्टर्ड हो सकेगा। ये थी मेरी आज की बड़ी अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।